हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम मूवमेंट चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। सो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फाइंड फर्स्ट 4 सेंट्रल मूवमेंट्स फॉर द ऑब्जर्वेशंस 5, 7, 10, 11, 12। अब जब भी ये दिया हुआ हो तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि ये ग्रुप्ड डेटा है या अनग्रुप्ड डेटा है। तो जहाँ फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो ग्रुप्ड डेटा है, और फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है, सिर्फ नंबर्स दिए हुए हैं, तो वो रॉ डेटा है। सो रॉ डेटा या अनग्रुप्ड डेटा है। तो अब हमें क्या करना है, तो पहले x की वैल्यू लिखनी है 5, 7, 10, 11, 12। अब हमने x की वैल्यू लिख ली तो बुक का काम हो गया पूरा। अब हमें बुक नहीं चाहिए। सबसे पहला काम होगा कि हमें x बार कैलकुलेट करना है, x बार कितना आ रहा है। तो x बार के लिए हमें टोटल करना होगा 5, 7, 10, 11 एंड 12। सो आंसर इज 45। सो मीन 45 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5, तो आंसर हो गया 9। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है सेंट्रल मूवमेंट। अब पहले मैं आपको फॉर्मूला वाला पेज दिखाता हूँ। तो ये देखिए, फॉर्मूलाज मैंने आपको याद करने के लिए दी थी। सेंट्रल मूवमेंट कैलकुलेट करना है, अनग्रुप्ड डेटा है, तो हमें चाहिए x - x बार, x - x बार स्क्वायर, क्यूब एंड 4। सो अब हमें ये सारे कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले x - x बार, यहाँ पर कुछ टीचर्स xi भी लिखवाते हैं। xi भी होगा तो मीनिंग सेम है, हमें x के हर एक एलिमेंट्स में से x बार को माइनस करना है। सो 5 - 9 - 4, 7 - 9 - 2, 10 - 9 - 1, 11 - 9 - 2, and 12 - 9 - 3। टोटल करेंगे तो ये टोटल आ गया 0। अब इतना करने के बाद हमें नेक्स्ट जो चाहिए वो चाहिए x - x बार स्क्वायर। दूसरी एक बात बता दूं, जब भी मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड करता हूँ, मैं जो लाइंस ड्रॉ करता हूँ वो पेन से करता हूँ, किसी भी स्टैंडर्ड में, 11 से लेकर TY, BCom, MCom के लेक्चर्स तक। बट आपको ये लाइंस हमेशा पेंसिल से ड्रॉ करनी है। मैं पेन से इसलिए ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, बाकी हमेशा आपको पेन से करनी है। नाउ x - x बार का स्क्वायर करना है हमें, तो ये हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9। अब हमें इसका भी टोटल करना है, 16 एंड 4 20 30 34, तो ये हो गया आंसर 34। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो नेक्स्ट हमें क्यूब करना है। सो x - x बार क्यूब, अब पहले -4 का क्यूब करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा -64। अब ये -64 कैसे आया वो भी समझ लो, -4 को मल्टीप्लाई करना है आपको 3 बार, क्यूब है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बार माइनस होगा तो प्लस, बट तीसरी बार होगा तो माइनस। सो माइनस माइनस प्लस और माइनस, तो माइनस हो जाएगा, एंड 4 × 4 × 4 = 64, तो ये ऐसे आता है -64। -8, 1, 8 एंड 27। अब हम टोटल करेंगे, पहले पॉजिटिव नंबर्स के टोटल कर लेते हैं, 27, 8, 1, और इसमें से ये नेगेटिव माइनस करेंगे तो आंसर आ रहा है -36। इतना करने के बाद नेक्स्ट हमें करना है x - x बार = 4। सो वो हो जाएगा 256, 16, 1, 16 एंड 81।
टोटल कर लेते हैं 256, 16, 1, 16 एंड 81, 370। सो अब हमें क्या करना है, सेंट्रल मूवमेंट कैलकुलेट करना है। तो ये मैं फार्मूला वाला पेज दिखा रहा हूँ। फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट का फार्मूला है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। तो यहाँ पर बताइए मुझे सिग्मा मीन्स टोटल, यहाँ पर सिग्मा लगाना है, सिग्मा मीन्स टोटल। एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन तो यह है ज़ीरो डिवाइड बाय फाइव, ज़ीरो डिवाइड बाय फाइव, सो आंसर इज ज़ीरो। देन म्यू टू, टू में क्या है, तो टू में हमें करना है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन। तो एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, तो स्क्वायर का वैल्यू है ये 34, सो 34 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5, एन फाइव, सो 34 डिवाइड बाय 5 करेंगे, सो आंसर इज 6.8। सो सिंपली देखिए, मैं सिर्फ फार्मूलाज ही अप्लाई कर रहा हूँ और कुछ भी नया नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये हमने म्यू वन म्यू टू कैलकुलेट किया। नाउ म्यू थ्री म्यू फोर में भी यही फार्मूला ऐसे ही अप्लाई करने हैं हमें। सो म्यू थ्री देख लेते हैं, थ्री, सो वन में पावर वन स्क्वायर, तो यहाँ पर क्यूब हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बार क्यूब अपॉन एन। सो क्यूब का टोटल है माइनस 36 डिवाइड बाय एन मीन्स 5, तो ये आंसर माइनस में आएगा 36 डिवाइड बाय 5 माइनस 7.2। एंड लास्ट म्यू फोर कर लेते हैं, यहाँ पर म्यू फोर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार रेज टू 4 अपॉन एन, सो 370 डिवाइड बाय 5, सो 370 डिवाइड बाय 5 करेंगे, सो आंसर आ जाएगा 74। सो आइए चेक कर लेते हैं, देखते हैं। आंसर बराबर है। सो बुक में मैंने आपको फिर से बताया, ये हमें अनग्रुप्ड डेटा दिया हुआ था, तो ये देखिए 0, 6.8, माइनस 7.2 एंड 74। सो हमारे आंसर्स परफेक्ट हैं। एक बार आप समझ लीजिए टेबल कैसे बनाए हैं और नोट डाउन कर लीजिए। कॉलम समझ लीजिए कैसे बनाने हैं, अनग्रुप्ड डेटा। अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो हम उसे ग्रुप्ड डेटा कहेंगे। सबसे पहला काम मैंने किया कि रॉ डेटा लिख दिया और मीन निकाला, और मीन में से मैंने ये कॉलम्स बनाए हैं। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहीं पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और हम आगे की फॉर्मूलाज और सम्स सीखेंगे।